अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन पाइथन लर्निंग। इस वीडियो में हम बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे, बिल्ट इन मैथड्स देखेंगे स्ट्रिंग्स के पाइथन में कौन कौन से हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल इनिशलाइज करना देखा स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग्स की स्लाइसिंग देखी, इंडेक्सिंग देखी, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना सीखा। इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स के कौन से बिल्ट इन मैथड हैं पाइथन में और उनका शॉर्ट डेमो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग का एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में स्ट्रिंग लेंथ के नाम से, या आप स्ट्रिंग लेंथ कह लें या लेंथ सिंपल लेंथ कह लें, द वर्ड इज लेंथ। आप विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड, दिस फंक्शन लेंथ, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ मैथड्स जो हैं स्ट्रिंग्स के, मैं आपको बताती चलूँ कौन कौन से मैथड हैं हमारे पास बिल्ट इन मैथड स्ट्रिंग्स के। हमारे पास अपर करने का मेथड है, जैसे आपकी स्ट्रिंग अगर लोअर में है तो अपर में हो जाएगी। लोअर करने का अलग मेथड है, अपर करने का अलग मेथड है, कॉन्केटिनेट का मेथड है, स्प्लिट का मेथड है, फाइंड का मेथड है, रिप्लेस का मेथड है। ठीक है, तो काफ़ी सारे रिवर्स का मेथड है, काफ़ी सारे बिल्ट इन मेथड हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक स्ट्रिंग इनपुट लेती हूँ और उसकी लेंथ कैलकुलेट करती हूँ। तो स्ट्रिंग जो हम इनपुट लेते हैं वो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। इससे पहले वीडियोस में हम हार्ड कोड ले रहे थे स्ट्रिंग को, तो यही मैंने स्ट्रिंग इनपुट ले ली, स्ट्रिंग इक्वल टू इनपुट। अच्छा, आपका जो स्ट्रिंग है ना, ये आपका वेरिएबल है। यहाँ मैंने लिखा इनपुट देन इंटर अ स्ट्रिंग देन प्रिंट, यहाँ लिख देती हूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, और यहाँ पे कॉल कर देते हैं बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन मैथड कौन सा है। तो आपने लिखना है एल ई एन लैन, जो कि बिल्ट इन मैथड है पाइथन में, और आपने क्या इंसर्ट कर देना है इसके फंक्शन में, आर्ग्यूमेंट क्या पास कराना है आपने, स्ट्रिंग, क्योंकि आपके स्ट्रिंग में आपकी इनपुट स्ट्रिंग क्या है, सेफ है। इसको रन करके चेक करते हैं आप, इट्स वर्किंग, कनेक्टिंग। कॉलैब पे इंटरनेट का इश्यूज रहते हैं, इससे बेटर है कि आप जुपिटर पे काम कर लें, पाईचाम पे कर लें आप एक ही दफ़ा इंस्टॉल करके। ठीक है जनाब, तो इंटर आ स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग दे दी यहाँ पर हरा मिर्ज़ा। ठीक है, तो हरा मिर्ज़ा की जो लेंथ कैलकुलेट हुई है वो 10 है। कैसे, अगर आप काउंट करें, हिरा में 4 कैरेक्टर्स हैं, देन स्पेस भी एक आपका कैरेक्टर है 5, देन मिर्ज़ा में 5 कैरेक्टर्स हैं, तो 5 + 5 = 10। ठीक है, तो आप ऐसा प्रोग्राम भी बना सकते हैं कि आप ये लिख दें कि स्पेस को काउंट ना करें, नॉट काउंट स्पेस। ठीक है, और फिर बाकी जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करें, काउंट, द वर्ड इज़ काउंट। तो काउंट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, विद द हेल्प ऑफ काउंट आप स्ट्रिंग की लेंथ भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्ट इन फंक्शन जो है हमारा लेन का, वो पाइथन में वर्क करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि हम स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं रिवर्स स्ट्रिंग का। अभी हमने देखा लेंथ कैलकुलेट करना स्ट्रिंग की, अब हम देखेंगे स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग रिवर्स। तो स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए पाइथन बड़ा सिंपल सा एक स्पेशल सी आपने बस कोड ऑफ लाइन लिखनी है। फॉर एग्जांपल मुझे हिरा जो स्ट्रिंग है उसको मुझे रिवर्स करना है। आपने हिरा को सिंगल कोट में लिखा, जो भी आपकी स्ट्रिंग थी, आपने इंडेक्सिंग करी यहाँ पर। आपको पता है कि जब आप रिवर्स में करेंगे स्ट्रिंग, तो ए पहले आना है, आर आना है, आई आना है, एच आना है, यानी कि लास्ट जो आपका कैरेक्टर है उसको पहले प्रिंट होना है। तो आपको पता है इंडेक्सिंग करते वक्त लास्ट कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है पाइथन में, -1। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 2 कॉलन के साथ -1। ठीक है, और बस अब आप इसको रन करें तो देखें मेरी स्ट्रिंग क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो सिंपल एक टेक्निक थी। इसके अलावा रिवर्स्ड का एक मेथड आता है, उसके ज़रिए भी आप रिवर्स कर सकते हैं स्ट्रिंग को। अभी मैंने डायरेक्ट स्ट्रिंग को रिवर्स किया है। अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग लेते हैं और उस स्ट्रिंग पे अप्लाई करते हैं कुछ बिल्ट इन मैथड्स और उनको एनालाइज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि str इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे लिखा है द वर्ड इज़ मैडम, ठीक है। एक्चुअली ये जो मैंने वर्ड लिखा है इसको सेव किया है वेरिएबल str में, आई एम चेकिंग कि जो मेरा वर्ड है ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। पैलिंड्रोम वर्ड्स कौन से होते हैं? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स वो स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको आप रिवर्स करें तो वही नेम बनता हो। जैसे आप मैडम है, जब आप मैडम को रिवर्स करेंगे तो मैडम ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज़ पॉप, जो स्टैक में यूज़ होता है, पुश और पॉप। आप जब आप पॉप को रिवर्स करोगे तो आफ्टर रिवर्स आपका वर्ड पॉप ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कितने ही वर्ड्स हैं। द नेम्स माहम, अगर आप माहम को रिवर्स करेंगे तो आपका माहम वर्ड ही बनेगा, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, जो स्ट्रिंग आपने हार्ड कोड ऊपर दी है। तो ड्यूरिंग पैलिंड्रोम चेकिंग आपको आपकी स्ट्रिंग रिवर्स करनी पड़ेगी। तो इधर आपका रिवर्स का एक बिल्ट इन फंक्शन भी मैं यूज़ कर लूँगी और स्ट्रिंग को हम चेक भी कर लेंगे कि स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग मैडम, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिख दिया str। अब माई str इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कॉल किया बिल्ट इन मैथड रिवर्स का, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करा दिया क्या str। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको चेक करना पड़ेगा, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि आपकी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो आपने इफ एल्स तो यूज़ करना ही है यहाँ पे। आपने यहाँ पे लिखा कि लिस्ट जो है मेरी लिस्ट, ठीक है, लिस्ट में जो str है, क्योंकि str क्या है, आपकी पूरी स्ट्रिंग है, तो मैंने इसको लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। तो str जो है अगर वो इक्वल है लिस्ट जो है आपकी माई str से, तो देखें ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। str में आपका मैडम है, आपकी ओरिजिनल आपकी स्ट्रिंग है, या लिख लेते हैं यहाँ पे हिरा, और माई str में आपकी वो स्ट्रिंग है जो रिवर्स होके सेफ हुई है, गॉट इट। तो str में आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, माई str में आपकी वो स्ट्रिंग है जो रिवर्स होकर str में जो था वो रिवर्स होके सेफ हो गया माई str में, यानी कि str hir है, क्या इक्वल इक्वल है arih के। अगर है तो प्रिंट हो जाए, एक स्पेस दी मैंने, इंडेंट दिया, क्या प्रिंट हो जाए, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। एल्स एल्स प्रिंट हो जाए स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है जनाब, तो उसको चेक करते हैं रन करके। फिलहाल जो मैंने स्ट्रिंग दी है वो हेरा है और हेरा इज़ नॉट पैलिंड्रोम। चेंज करते हैं और नाम यहाँ लिखते हैं माहम, तो माहम को चेक करते हैं पैलिंड्रोम है या नहीं। तो माहम इज़ नॉट पैलिंड्रोम, इनफैक्ट माहम, यस माहम पैलिंड्रोम नहीं है। जब हम रिवर्स करेंगे तो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तब माहम पैलिंड्रोम है, यस माहम पैलिंड्रोम। अगर मैं लिखती हूँ क्या मॉम, तो द मॉम स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ हमने एक प्रोग्राम भी बना लिया पैलिंड्रोम, और हमने कैलकुलेट भी कर ली क्या, रिवर्स भी कर ली स्ट्रिंग को, और हमने कैलकुलेट भी कर लिया कि आपकी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, और हमने बिल्ट इन मेथड भी यूज़ कर लिया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब हम, ठीक है, अब हम देखते हैं लोअर और अपर कैसे करते हैं स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन मैथड। तो यहाँ देखिएगा मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम, PROGRAM, प्रोग्राम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट लोअर स्मॉल लेटर, ठीक है। डायरेक्ट कोशिश करते हैं करने की, अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरा मेथड लगा लेंगे। फिलहाल प्रोग्राम जो मेरा कैपिटल लेटर में वर्ड्स थे, जैसे ही मैंने बिल्ट इन मेथड कॉल किया स्ट्रिंग का, ठीक है, आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई, लोअर लेटर में हो गई। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे ही आपके जो लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं आपकी स्ट्रिंग में, सारे ही कैपिटल हों, क्या पता कुछ स्मॉल हों। तो जो स्मॉल हैं फिर वो स्मॉल रहेंगे, और जो कैपिटल है वो आपके स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक दफ़ा अपर भी करके देख लेते हैं। तो यही हम स्ट्रिंग लेते हैं,
यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स को हम कैरेक्टर्स को हम क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, तो जो कैपिटल है वो कैपिटल ही रहेंगे और जो स्मॉल है आपके वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। तो ये मैंने अपर का बिल्ट इन मैथड यहाँ पे कॉल कर दिया। तो देखें आपका जो अपर कैरेक्टर था वो अपर ही है, लेकिन जो लोअर था वो क्या हो गया है, क्या हो गया है, वो आपका अपर हो गया है। ठीक है जनाब, तो ये आपने सीख लिया कि आप किस तरीके से स्ट्रिंग को अपर कर सकते हो और आप स्ट्रिंग को लोअर कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास एक मेथड होता है रिप्लेस का। रिप्लेस का मेथड देखते हैं किस तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, वेलकम इन या वेलकम, जस्ट वेलकम इन पाइथन लर्निंग। अच्छा, इस इन को ना मैं, ये जो इन है ना, ये मेंबरशिप इन को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं इस इन को मैंने डबल एन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन लिखी है वेलकम इन पाइथन लर्निंग, और यहाँ पे मैंने डॉट करके रिप्लेस करना है क्या, पाइथन की जगह मुझे रिप्लेस करना है क्या, रिप्लेस करना है ब्रिलियंट लर्निंग। ठीक है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट लर्निंग। तो देखिए ये करता है या नहीं, लेट्स सी। तो यहाँ पे देखें आपका पाइथन की जगह क्या रिप्लेस हो गया, ब्रिलियंट। तो आप इस तरीके से अपनी, आप अगर कोई स्टोरी इनपुट लिए, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और आपने कोई स्टोरी इनपुट लिए और स्टोरी में आपने कुछ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है किसी और सिनोनियम से, तो आप बड़ी ब्यूटी के साथ विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन रिप्लेस, यू कैन ईजली रिप्लेस योर स्टोरी विद स्पेसिफिक वर्ड। ऑल राइट, तो यहाँ तक हमने काफ़ी सारे फंक्शंस को स्टडी कर लिया है, देख लिए, कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं कि स्ट्रिंग ऑपरेशन किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि कुछ न्यू करते हैं, एक लिस्ट में यहाँ पे इनिशियलाइज करा रही हूँ। ठीक है, लिस्ट एडिटिंग, लिस्ट में है मेरे पास कार, और कार कार में हम नेम लिखते हैं यूनिस में। ठीक है, यूनिस नेम, यूनि नेम, यूनि नेम में मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे के यू, यहाँ पे लिख दिया मैंने एन ए डी। ओके, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर बाजू, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। देन यहाँ मैंने लिख दिया आयु, इकरा यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया इंडस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बना दी है और उस लिस्ट में मैंने कुछ स्ट्रिंग्स को क्या कर दिए, पार्स कर दिए। ओके, तो कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेटिंग करते हैं, पपेटिंग करते हैं स्ट्रिंग्स के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू यूनिनेम टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये आपको बता देगा कि टू पर कौन सी यूनि है। तो अगर आप देखें तो टू पर कौन सी यूनि है, टू पर जो हमारे, अच्छा प्रिंट भी करना है हमने यहाँ पर, प्रिंट क्या करना है x। तो देखें आपकी जो यूनिट थी टू पे, जीरो वन टू माजू थी और माजू यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, अब हमने क्या किया, इसी प्रोग्राम में एडिटिंग करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा कि x इज इक्वल टू यूनि नेम जीरो। ठीक है, यूनि नेम जीरो और प्रिंट x, तो यहाँ पे आ गया के यू।
अब देखते हैं लेंथ निकालते हैं, ठीक है, लेंथ कितनी है। तो y इक्वल टू लेंथ, मैंने डिफरेंट कर दिया अपना वेरिएबल y ले लिए, और लेंथ में क्या आर्ग्यूमेंट पास करना है आपने, ऑब्जेक्ट क्या पास करना है आपने, आपने यूनि नेम पास करना है, क्योंकि यूनि नेम की आपने क्या कैलकुलेट करनी है, लेंथ। सो ये आपने पास कर दिया और आपने प्रिंट करा दिया वाई। सबसे अच्छी बात पाइथन में मुझे ये लगती है कि इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज़ करना है, परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी, परसेंट एस, आपने डायरेक्ट सारे काम करना है, आपने प्रिंट लिखा और आपने डायरेक्ट उस वेरिएबल को प्रिंट करा दिया उठा के, ठीक है। तो अच्छी लैंग्वेज है पाइथन, बिल्कुल फ्री, फ्रीली काम कर सकते हैं आप पाइथन पे, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सेमी कॉलन की, कॉलन की, दिस इज अमेजिंग। ऑलराइट, तो ये आपकी फाइव लेंथ है, लेट मी चेक, 1 2 3 4 5, यस। तो ये आपने क्या कर दिया, लेंथ प्रिंट हो गई आपकी। आप चाहें तो यहाँ पे वर्डिंग लिख लें, लेंथ ऑफ लिस्ट इज 5। ठीक है, इसी प्रोग्राम में फर्दर एडिटिंग करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपेंड करना है जो मेरी यूनिट्स नेम है, इंडस के बाद एक यूनिवर्सिटी को मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए पाइथन में जो बिल्ट इन फंक्शन है वो है, बिल्ट इन मैथड है, इसका नेम है अपेंड। तो मुझे अपेंड करना है इंडस के पास, इंडस के बाद, आफ्टर इंडस कौन सी यूनिवर्सिटी हम अपेंड करें, ऐसा करते हैं, इंडस के बाद अपेंड करते हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी। तो आपने क्या करना होगा, आपने बस एक लाइन लिखनी है, लाइन ऑफ कोड पे क्या लिखना है, आपने लिखा यूनि नेम, ओके, आपने यहाँ पे लिखा अपेंड, क्या अपेंड करना है, आपने अपेंड करना है फास्ट, ठीक है, अपेंड हमेशा लास्ट में ही होता है, ओके। फिर आपने क्या कर दिया, आपने प्रिंट कर दिया क्या, यूनि नेम, ओके, क्योंकि यूनि नेम में आपका अपेंड हो गया है क्या, फास्ट। सो लेट मी सी, यस, फास्ट की एंट्री यहाँ पे देखिए हो गई है। पहले था आप की स्ट्रिंग, आपकी जो लिस्ट थी वो इंडस तक थी, अब आपकी लिस्ट इन्हेंस हो गई है, आपकी लिस्ट के एंड में अपेंड हो गया है क्या, फास्ट यूनि। इसी प्रोग्राम में फर्दर एडिटिंग करते हैं और क्या करते हैं, अब हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं रिवर्स का, सही है, और हम रिवर्स कर देते हैं सारी लिस्ट को। रिवर्स मीन्स कि स्ट्रिंग पहले कौन सी आए, इंडस आए, फिर आयु आए, फिर माजू आए, फिर एनडी आए, फिर के यू आए, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्स करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, आपने क्या लिखा है यहाँ पे, यूनि नेम डॉट रिवर्स, इसको कॉल किया आपने, और रिवर्स करने के बाद बस आपने डायरेक्ट इधर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है, आपने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया और क्या लिख दिया, यूनि नेम। देखते हैं इसको कंपाइल करके, तो देखिए आपकी आपकी लिस्ट क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अच्छा, अब रिवर्स में फास्ट ऐड होके आया, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे रिवर्स किए वो यूनि नेम वाला ही रिवर्स किया जिसमें आपका क्या ऐड है, आपका फास्ट ऐड है, आपके टोटल 6 एलिमेंट है, ठीक है। अब आपका जो यूनि नेम है वो आपका ये नहीं है, आपका यूनि नेम अब डिफरेंट हो गया, क्योंकि आपके यूनि नेम में अब क्या आ गया है, एक और स्ट्रिंग आ गई है, किस नेम से, फास्ट के नेम से। तो देखिए यहाँ पे आपकी लिस्ट क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। दिस इज अमेजिंग फंक्शन इन पाइथन। वैसे ही सी लैंग्वेज अभी होते हैं स्ट्रिंग रिवर्स के, स्ट्रिंग अपेंड के, ठीक है, कॉन्केटेनेट के, कॉपी के, पाइथन में भी है इसकी ब्यूटी, ओके। कुछ फर्दर और बिल्ट इन मेथड अप्लाई करते हैं हम इसके ऊपर, ऐसा करते हैं कि अब काउंट करते हैं कि हमारे पास काउंट कितना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया डीपी के नाम से, और मैंने लिखा यूनि नेम डॉट काउंट, क्या काउंट करना है मुझे काउंट करना है कि मेरी लिस्ट में माजू कितनी दफ़ा है, ठीक है, या आयु कितनी दफ़ा है मेरी लिस्ट में, आयु इकरा यूनिवर्सिटी कितने टाइम आई है। तो यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया क्या, डीपी में क्या है मेरा काउंट है, जितनी दफ़ा आयु आएगी बता देगा। वैसे आयु जो है मेरी स्ट्रिंग में, यूनि नेम में आयु जो है वो वन टाइम है, सो लेट मी सी, वन टाइम। लेकिन ऐसा करते हैं यहाँ चेंज कर देते हैं और आयु को एक दफ़ा और ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब अगेन रन करते हैं इसको, तो आयु देखिए कितने टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप काउंट भी कर सकते हो, ओके। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, मैंने यहाँ पे लिखा यूनि नेम, इसको आप एनालाइज कीजिएगा, लास्ट है हमारा यूनि यूनि नेम डॉट पॉप, ठीक है, आपको पता है पॉप मीन्स के पॉप हो जाना,
लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जो लास्ट मेंटर होगा वो पहले पॉप होगा, ठीक है? तो ये पॉप क्या पॉप हो जाए मैं बता देती हूँ, टू पॉप हो जाए, ठीक है? तो पॉप हो गया यूनि नेम में से, और फिर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, क्या यूनि नेम। तो देखिए जनाब क्या इसका रेस्पॉन्स आता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉप हो गया है, क्या पॉप हो गया है आपका, टू, टू पे जो था। तो देख रहे हैं आपका टू पे क्या थी, आपकी स्ट्रिंग क्या थी। ऐसा करते हैं इसको हम सेपरेट परफॉर्म करते हैं ताकि अच्छे से एनालाइज कर सकें आप लोग। यहाँ पे मैं सेपरेट परफॉर्म कर रही हूँ और ऊपर जो है यूनि नेम में यहाँ से कॉपी कर रही हूँ लिस्ट, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पॉप हो गया जो आपके टू पे था। तो जीरो के यू वन एन ए डी और टू पे क्या था, माजू। तो देखें आपका माजू क्या हो गया, पॉप हो गया। आई थिंक हमें आई यू टू टाइम्स से एक दफ़ा इसको पॉप कर देते हैं, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये आपका फाइव पे आई यू टू टाइम्स आ रहा था, एक पॉप कर दिया है, ठीक है? तो देखें इस तरीके से आप पॉप कर सकते हैं। आई होप ये सारे बिल्ट इन मैथड्स आपके समझ आ गए। अब आपने इनको अपनी प्रैक्टिस में लाना है, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट।